अभी मैं आपको, आज मैं आपको नोट्स नहीं दूंगा क्योंकि अभी नोट्स बन रहे हैं, लेकिन मैं कल तक उसको फाइनल कर लूंगा और मंडे को मैं आपको वो नोट्स दे दूंगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं ये समझा सकूं। तो इसको राष्ट्र क्या है, राष्ट्र की उत्पत्ति कैसे हुई, उसको समझने के लिए मैं आपको अभी 3 या 4 मैप दिखाता हूँ और उससे आप थोड़ा सा उसको ये वीडियोस लेक्चर्स जो हैं वो देखिए, मैं अभी ये सिर्फ आपको ट्रायल बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, एक दो लेक्चर मेरे को पढ़ा लेने दीजिए, तब तक मैं आपके लिए अच्छे से नोट्स बना लूंगा और उसके बाद फिर मैं उसको वेबसाइट पे अपलोड करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारी बुक्स से रेफर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा नोट्स बनाने में थोड़ा समय लग रहा है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको ये हमारी आज की दुनिया है, इसको आप देखें। अब हम लगभग हर दिन ये पॉलिटिकल मैप, हम जब भी एडिटोरियल पढ़ते हैं तो हम ये पॉलिटिकल मैप हर दिन ऑलमोस्ट देखते हैं, ठीक है। तो जब ये इंडिया है, ठीक है, हम कुछ बड़े देशों को लेते हैं, ये चाइना है, ये रशिया है, ये मंगोलिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है। अगर मैं इनमें से किसी एक जगह पर जाता हूँ और वहां पे लोगों से पूछता हूँ कि आप कौन हैं, तो वो जवाब देंगे कि मैं, अगर मैं रशिया में जाता हूँ और पूछता हूँ तो वो जवाब देंगे कि मैं रशियन हूँ। चाइना में जाता हूँ तो बोलेंगे कि मैं चाइनीज हूँ। अगर मैं, हम इंडिया में अगर हम ये क्वेश्चन पूछता है, कोई भी फॉरेनर अगर इंडिया में ये क्वेश्चन पूछता है तो हम जवाब देते हैं कि हम इंडियन हैं, ठीक है। तो ये इंडियन होने का मतलब क्या है? और जब हम हिस्ट्री बुक्स पढ़ते हैं, जब हम अपना भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो हम हमेशा मान कर चलते हैं कि हम भारतीय हैं। हम आज भी भारतीय हैं, 100 साल पहले भी भारतीय थे, 500 साल पहले भी भारतीय थे, 1000 साल भी पहले भारतीय थे, हम 2000 साल पहले भी भारतीय थे। हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में हमको ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे कि हम हमेशा से एक देश या एक राष्ट्र रहे हों। लेकिन ये सच नहीं। ये जो आप अभी मैप देख रहे हैं, ये आज की दुनिया है। अब आज की दुनिया को अगर आप देखें तो हम सारे वर्ल्ड को हम सिर्फ उनकी कंट्रीज के हिसाब से डिफाइन करते हैं। आप अगर अफ्रीका को देखेंगे तो आप देखेंगे कि छोटे बड़े बहुत सारे देश हैं अफ्रीका में, अल्जीरिया, लीबिया, चाड, नाइजर, सूडान, कॉन्गो, तंजानिया, अंगोला, साउथ अफ्रीका, बहुत बहुत सारे देश हैं, ठीक है। आप कोई भी लैंड का ऐसा हिस्सा नहीं देखेंगे जिसमें कोई नाम ना लिखा हो। पृथ्वी पर कोई भी जमीन का हिस्सा आप देखें, उस पर, उस मैप पर आप देखेंगे कुछ नाम लिखा होगा। अब चाहे ये छोटा सा द्वीप देखे, इधर पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया के पास एक छोटा सा द्वीप है, उस पर लिखा हुआ है फिजी, ठीक है। तो चाहे कोई भी लैंड का टुकड़ा है, उसका एक नाम है, ठीक है। वो एक टेरिटरी का, किसी एक टेरिटरी का पार्ट है, किसी एक क्षेत्र का या किसी देश का वो हिस्सा है। लेकिन ये दुनिया हमेशा से ऐसी नहीं रही। अब अगर मैं आपको 300 साल पहले का मैप दिखाऊं, ये अभी 2020 का मैप है, ठीक है, आज पिछले साल का मैप है। अगर मैं आपको 2000 ये भी दुनिया का मैप है, ये भी पॉलिटिकल मैप है, लेकिन ये आज से 300 साल पहले का, आज से 320 साल पहले का। ये जो मैप है ये है 1700 AD का। तो ये दुनिया जो है आज से 300 साल पहले 1700 AD में ये दुनिया ऐसी थी, ठीक है। अब अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे देश जो हम 2020 में देख रहे थे वो गायब है, ठीक है।
आपको इंडिया की जगह क्या दिख रहा है? इंडिया शब्द ही नहीं, ये दिख रहा है आपको मुगल एम्पायर। और देखिए मुगल एम्पायर का हिस्सा देखिए कहां से कहां तक है, आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा, और ये देखिए सेंट्रल एशिया तक जा रहा है। हमारा जो मुगल एम्पायर है वो सेंट्रल एशिया तक है, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वहां तक है। ठीक है बेटा, एडी का मतलब होता है एन्नो डोमिनी। एन्नो डोमिनी का मतलब होता है द ईयर ऑफ द लॉर्ड। मॉडर्न टाइम्स में जो हमारी जो हमने डेट का फिक्स किया है ना, जैसे कि इस समय 2021 चल रहा है, तो 2021 यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2021 साल बाद। तो एन्नो डोमिनी का मतलब होता है द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि भगवान जिस साल पैदा हुए थे। तो चूंकि हम जो कैलेंडर यूज करते हैं वो क्रिश्चियन कैलेंडर है, हम जनवरी फरवरी मार्च जो हम ये यूज करते हैं ये क्रिश्चियन कैलेंडर है ना। और क्रिश्चियन हर धर्म में इवन इस्लाम में भी देखेंगे तो जो मोहम्मद साहब का होता है उससे शुरू होता है। आप अगर इंडिया में भी देखेंगे तो इंडिया में भी जो बुद्धिस्ट कैलेंडर है वो बुद्धा के जन्म से शुरू होता है। तो आप देखेंगे कि हर रिलीजन का अपना अपना एक कंसेप्ट है कि यहाँ से शुरू हुआ है। तो जीरो जो है वो जीरो से वन जो पहला साल माना जाता है वो साल है जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो एडी का मतलब है एन्नो डोमिनी, यानी कि द ईयर ऑफ द गॉड, यानी कि जिस साल भगवान पैदा हुए थे। तो अब अगर हम अभी क्या चल रहा है 2021 एडी, तो 2021 एडी का मतलब क्या हुआ कि आज से 2021 साल पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। तो यानी कि जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है वो एक रेफरेंस पॉइंट है टाइम को नापने का। मैं इसको आगे भी पढ़ाऊंगा, अभी इतना ही ठीक है। ये टाइम बीसी सीई ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो पहले देखिए कि आज से 300 साल पहले, 320 साल पहले दुनिया कैसी दिखती थी। दुनिया कुछ ऐसी थी। अब आप देखिए, हमने चाइना पढ़ा था, ठीक है, चाइना देखा था, लेकिन यहां पर चाइना की जगह क्या लिखा हुआ है, चिंग एम्पायर। और चाइना और तिब्बत अलग अलग है, आज चाइना और तिब्बत एक में है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर चाइना और तिब्बत जो है वो अलग अलग है, और चाइना शब्द नहीं है यहाँ पे, चिंग एम्पायर है। चिंग एम्पायर मतलब चिंग साम्राज्य, जैसे कि हमारे यहाँ मुगल साम्राज्य है। ऊपर आप देखेंगे रशियन एम्पायर लिखा हुआ है, रूसी साम्राज्य। यहाँ पर देखेंगे सफाविद एम्पायर लिखा हुआ है, यानी कि ईरान का है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया आज से 300 साल पहले की जो पूरी दुनिया है वो साम्राज्यों में बटी हुई थी, एम्पायर में बटी हुई थी, साम्राज्य थे, यानी कि राजा का राज्य था। और जो बड़े बड़े राजा होते थे, जिनका राज्य बहुत बड़ा होता था, जिन्होंने कई सारे दूसरे राज्यों को जीत लिया होता था, उनके लिए वर्ड इस्तेमाल होता था एम्पायर। तो एम्पायर का मतलब होता है ऐसा राजा जिसने कई सारे राज्य जीते हैं। तो जैसे कि मुगल एम्पायर, अब मुगल एम्पायर जब शुरू हुआ था बाबर के समय तो सिर्फ दिल्ली तक था, ठीक है। फिर उसके बाद अकबर के आते आते, यानी कि विदिन हंड्रेड इयर्स एम्पायर यहां तक पहुंच गया, और इधर असम तक पहुंच गया, और इधर ये सेंट्रल एशिया तक पहुंच गया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अकबर, हुमायूं, जहांगीर, इनके समय में इवन औरंगजेब तक ये जो मुगल एम्पायर था वो सिर्फ साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों को छोड़ देना, ये जो साउथ इंडिया है, जो आज का साउथ इंडिया है, उसको कुछ हिस्सों को छोड़ दे तो पूरा मुगल एम्पायर का कब्जा था। तो आप देखेंगे कि आज से 300 साल पहले ये रूसी साम्राज्य है, ये चिंग एम्पायर है चाइना का, ये तिब्बत का अपना है, यहाँ पे ईरान का है, तो ईरान का अपना एक सफाविद एम्पायर था, ठीक है। अब आप देखेंगे कि बाकी जो यहाँ पे जो आपको मैप में दिखते थे, इराक, सीरिया, लेबनान, वो सब कुछ नहीं दिख रहे आप। यहाँ पर आपको दिख रहा है ओटोमन एम्पायर। अब ये जो ओटोमन एम्पायर है वो तीन कॉन्टिनेंट में है, उसके पास यूरोप का भी थोड़ा सा हिस्सा है, ये यूरोप है, उसके पास एशिया का भी थोड़ा हिस्सा है,
और उसके पास अफ्रीका का भी थोड़ा हिस्सा है। तो ये था आज का जो टर्की है, तुर्की, या जिसको हम हिंदी में तुर्की बोलते हैं, अंग्रेजी में हम टर्की बोलते हैं, तो ये मॉडर्न टर्की है। और उनका जो साम्राज्य था उसका नाम था ऑटोमन एम्पायर। तो एक तरफ ऑटोमन एम्पायर था, दूसरी तरफ सफाविद एम्पायर था, तीसरी तरफ मुगल एम्पायर था, फिर चिंग एम्पायर था चाइना का, और रशियन एम्पायर। ये उस समय के सुपर पावर थे। तो आज से 300-400 साल पहले अगर आप देखें तो ये उस समय के सुपर पावर है। और आप देखेंगे कि बाकी जो देश आपको आज दिखते हैं वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, चीन, रूस। और आप इधर देखेंगे तो ये पूरा जो हिस्सा है वो खाली दिख रहा है, क्योंकि तब तक यूरोप के लोग अफ्रीका तक पहुंचे ही नहीं थे, हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पर क्या है। ये सब एरियाज खाली दिख रहे हैं क्योंकि ये डेजर्ट एरियाज हैं और हमें ज्यादा कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ पर क्या है उस समय, ठीक है। और उसके अलावा आप देखेंगे कि यूरोप में कुछ एम्पायर हैं छोटे छोटे, इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, ठीक है, ये आज का जो ये आज के जो सुपर पावर है ना, आज के जो सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं, उस समय वो बहुत ही छोटे छोटे देश हुआ करते थे, बहुत ही छोटे जो है वो एम्पायर होते थे। तो अब अगर आप देखें कि अगर हम 300 साल पहले जाएं और हम अपने जो पूर्वज हैं उनसे पूछें कि आप कौन हैं, मान लीजिए हम 1700 में हमारे पास टाइम मशीन आ जाती है और हम जाते हैं टाइम मशीन लेकर और हम अपने पूर्वजों से मिलते हैं जाकर, और हम उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, क्या आप इंडियन हैं, तो वो आप पर हंसेंगे क्योंकि इंडिया एज अ कंसेप्ट था ही नहीं। वो ये बताएंगे कि हम इस राजा की प्रजा हैं, है ना, तो हमारा राजा ये है, हम इसकी प्रजा हैं। उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो पहचान है, वो राजा से होती है, ना कोई राष्ट्र, ना देश, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आज से 300 साल पहले या 200 साल पहले अगर आप किसी भारतीय से मिलेंगे और उससे पूछेंगे कि आप कौन हैं, तो वो अपने राजा का नाम लेगा कि मैं इस राजा की प्रजा हूँ। उसकी आइडेंटिटी वही है, ठीक है, और कोई दूसरी आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन ये जो एम्पायर है ये तो घटता और बढ़ता रहता है। अकबर के समय छोटा, जब बाबर ने शुरू किया था तो बहुत छोटा था, औरंगजेब तक काफी बड़ा हो गया था, फिर औरंगजेब की डेथ के बाद फिर से मुगल एम्पायर छोटा होना शुरू हुआ। यानी कि एम्पायर जो है, साम्राज्य, वो राजा पर निर्भर करता है। उसकी कोई बाउंड्री निश्चित नहीं होती है, है ना। राजा अगर ताकतवर है तो वो पूरा जीत लेगा और उसका साम्राज्य बन जाएगा। अगर राजा कमजोर है तो उसका जो राज्य है वो और छोटा होता जाएगा। तो कोई निश्चित बाउंड्री नहीं है, है ना। राजा बदलते हैं, साम्राज्य बदलता है, डायनेस्टीज जो है वो चेंज होती हैं। अब एक वर्ड है डायनेस्टी, डायनेस्टी का मतलब होता है वंश, है ना, जैसे कि मुगल वंश, तो डायनेस्टीज चेंज हो जाती हैं कि मुगल से पहले वहां पर लोधी वंश था, लोधी से पहले बहुत सारे और लोग थे, तो डायनेस्टीज चेंज हो जाती हैं। तो यानी कि आप देखेंगे कि ये जो कंसेप्ट है इंडिया का, या जो इंडियन, ये बहुत नया कंसेप्ट है। तो अब अगर हम, ये तो हुआ 1700, यानी कि आज से 300 साल पहले की बात कर रहा हूं, अगर मैं आज से मात्र 120 साल पहले भी बोलता तो भी बहुत सारे लोग अपने को इंडियन नहीं बोलते। तो 1900 में हमारी दुनिया कैसी थी। अब आप देखिए, ये जितना भी वाइट एरिया है, यानी कि ये वो एरिया है जो अभी तक लोगों को पता नहीं, यूरोपियंस लोग पहुंचे नहीं। अब अगर हम 19th सेंचुरी का देखें, 20th सेंचुरी की शुरुआत का, यानी कि 1900, आज से 120 साल पहले, तो अब आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंडियन एम्पायर, ठीक है, इंडियन एम्पायर लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, यूके,
यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, यहां पर देखिए आप चाइनीज एम्पायर लिखा हुआ है और यहां पर देखेंगे आप रशियन एम्पायर लिखा हुआ है। अब आप एक चीज देखेंगे कि 1700 से मैंने आपको जो पहला मैप दिखाया था वो 1700 का था और ये जो मैप मैं दिखा रहा हूं वो 1900 का, यानी कि 200 साल के बाद का। अब 200 साल के बाद में क्या क्या अंतर आया, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहला अंतर ये आया कि इंडिया में मुगल शासन नहीं रहा। इंडिया अब क्या है, भारत का साम्राज्य है, इंडियन एम्पायर। अब पहली बार ये शब्द यूज हो रहा है इंडियन, और ये किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, क्योंकि ये ब्रिटिश लोगों का दिया हुआ है। ब्रिटिश लोगों ने इसका नाम रखा कि ये जो हमारा साम्राज्य है इसको हम इंडियन एम्पायर बोलेंगे। अब आप देखिए बड़ी मजेदार बात, इंडियन एम्पायर कहां तक था 1900 में, ये पूरा बर्मा भी शामिल है। तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया, आज का बांग्लादेश, इवन जो आज का म्यांमार है, और ये आप देखेंगे अफगानिस्तान के बॉर्डर तक पूरा, ठीक है। पाकिस्तान तो ऑब्वियसली इंडिया में ही था, तो पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, नेपाल स्वतंत्र था, नेपाल वॉज नेवर पार्ट ऑफ इंडियन एम्पायर। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि म्यांमार भी एक समय में इंडियन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, 1933 तक, 33 या 35 तक वो इंडिया का हिस्सा था, इंडियन एम्पायर के अंडर। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इंडियन एम्पायर, ठीक है, एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूके। अब आप देखिए दूसरी चीज जो आपको समझ में आएगी कि तिब्बत खत्म हो गया, यानी कि जो चिंग डायनेस्टी थी, ठीक है, जो आपने 1700 में जो चिंग डायनेस्टी थी उसने अभी बड़ा कर लिया चाइना, और अभी चाइनीज साम्राज्य बन गया, और चाइना भी जो है वो एक पावरफुल एक साम्राज्य बन चुका है, और तिब्बत देखिए आप गायब है। उसके बाद आप देखेंगे रशियन एम्पायर, रशियन एम्पायर ने, आप देखेंगे कि रशियन एम्पायर पूरा अफगानिस्तान तक आ चुका है, यानी कि उसने सेंट्रल एशिया के सारे देशों को जीत लिया, ठीक है। सफाविद एम्पायर की जगह यहाँ पे पर्शिया लिखा हुआ है, पर्शियन एम्पायर यानी कि आज का ईरान। और आप देखेंगे कि ओटोमन एम्पायर छोटा हो गया, ओटोमन एम्पायर जो है जो पहले तीन कॉन्टिनेंट में था, अफ्रीका का, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया और ईस्टर्न यूरोप, पूरा बड़ा सा था, यहां तक था ऑटोमन एम्पायर यानी कि आज का जो टर्की है उसका, अब ये छोटा हो चुका है, और ऑटोमन एम्पायर जो है वो कमजोर हो चुका है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो इजिप्ट था वो अब स्वतंत्र हो चुका है, ठीक है। और अरब कंट्रीज में भी आप देखेंगे कि उनका काफी कम हुआ, ठीक है। तो ये ऑटोमन एम्पायर है, और सबसे ज्यादा अगर चेंज देखेंगे तो आप देखेंगे अफ्रीका, पूरे अफ्रीका पर कॉलोनियलिज्म हो चुका है, ये हिस्सा फ्रांस के कब्जे में है, ठीक है। ये हिस्सा आप देखेंगे अभी इंग्लैंड, अभी आपको मैं मैप दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि कैसे जो अफ्रीका है वो पूरी तरीके से दूसरे राष्ट्र के कब्जे में हो चुका है। देखिए अब मैंने आपको ये मैप से दिखाया, आप देखेंगे कि इंडिया के ऊपर कौन सा मैप है, ये ब्रिटेन का मैप है, ये ब्रिटिश मैप है। अब आप देखें कि ब्रिटिश मैप, अब ये 1900 का है, तो आप देखेंगे कि ब्रिटिश कहाँ कहाँ पर है, ब्रिटिश कनाडा में पूरा है, ब्रिटिश के कब्जे में है, ठीक है। आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन के कब्जे में है, आप देखेंगे कि ईस्ट अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन के कब्जे में है, पूरा ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन के कुछ में है, ठीक है। फिर ये भी था पहले, लेकिन अभी ये अमेरिका स्वतंत्र हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे ये रशियन एम्पायर है, और ये हिस्सा जो है वो पूरा फ्रांस के कब्जे में है।